हेलो एवरीवन, ये है बॉर्नविटा केक और ये कटोरी केक हमने लसिए में बनाया है बॉर्नविटा से, और कोई भी एसेंस नहीं डाला है, ना ही कोई वेनिला और ना ही बहुत ज़्यादा कोई चीज़, सिर्फ और सिर्फ हमने बॉर्नविटा और सेमोलिना से बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट इस तरीके से केक बना है, बिल्कुल सॉफ्ट जालीदार और बहुत ही टेस्टी। पूरा फ्लेवर इसका जो है बॉर्नविटा का आ रहा है, बच्चों को मन भावन बने हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं राखी पूर्णिमा का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, ए वेरी हैप्पी राखी पूर्णिमा। भाई बहन के त्यौहार में आज मैं खास एक ऐसे एकदम सिंपल रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो कि चॉकलेट केक। जी हाँ, बच्चों को तो बहुत ही पसंद होता है, स्पेशली बहनें अपने भाइयों के लिए तैयार करेंगी। तो एक सीधा सा सिंपल सा रेसिपी मैं बता रही हूँ। ये हमने करीब 50 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है, 60 ग्राम तक हमने सेमोलिना ले लिया है, और इसको अच्छे से, बहुत ज़्यादा ना मोटा ना जब बहुत पतला, अगर मोटा भी हो तब भी वो पीस जाएगा। वैसे ज़्यादातर महीन वाला ही आराम, मोटा वाला आजकल कम, और उससे थोड़ा ज़्यादा चीनी, यानी कि 60 ग्राम वो था तो 70 ग्राम ये है। अब आते हैं उसमें, ना कोई फ्लेवर डालेंगे, ना कोई एसेंस डालेंगे, ना कोई वैनिला, इसका खुशबू सिर्फ हमारे बॉर्नविटा का आएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बनेगा। तो आइए, इसमें जो गुठलिया है वो घुले ना घुले, तो इसीलिए देखिए ये पपड़ी पपड़ी जैसा भी होता है, इसीलिए इसको हम पीस लेंगे, यानी कि ग्राइंड कर लेते हैं। तो कढ़ाई हम गर्म करने के लिए एकदम स्लो आंच पे चढ़ा दिया है, ये देखिए एकदम पाउडर बन गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया। तो जितना हमने सेमोलिना यानी कि सूजी जितना लिया है, उतना ही हम बॉर्नविटा भी लेंगे। जैसे मान लीजिए सेमोलिना हमारा 60 ग्राम था, तो 50 ग्राम हम बॉर्नविटा लेंगे। अब इसमें हम उतना ही दूध ले रहे हैं जितना हम सेमोलिना लिए थे, मात्रा उतना ही रखेंगे, ना ज़्यादा ना कम, एक ही नाप रखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन बनेगा केक और टेस्टी भी होगा। देखिए कलर चेंज हो गया, कॉफी की कलर आ गया है। अब इसमें हम एक चम्मच मैदा या फिर आटा, गेहूं के आटा, एकदम कम मात्रा में, जितना सेमोलिना है उससे कम, क्योंकि दूध हम उतने ही नाप के डाले हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, और इसको अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेंगे। बैटर को ऐसा रखेंगे कि ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा गाढ़ा, तो चीनी की मात्रा यहाँ ज़्यादा है, इसलिए हमने आटा पहले ही लेके रखे थे, क्योंकि सेमोलिना उतने ही बराबर चीनी की बराबर ही लेना था, पर हम ले नहीं पाए थे, उतना ज़्यादा सूजी कम पड़ गया था, तो बराबर की मात्रा रखना है, जितना चीनी उतना ही सूजी भी। आप चीनी की जगह धागे वाली मिश्री भी ले सकते हैं, हेल्थ कॉन्शियस है तो, या फिर आप आजकल जो वो ब्राउन शुगर भी आ रहा है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चाहे मथनी से फेंट लीजिए चाहे ऐसे ही। अब इसमें ना कोई एसेंस डालना पड़ेगा, बहुत ही बेहतरीन, इसका खुशबू भी बॉर्नविटा का ही रहेगा, टेस्ट में तो मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही बेहतरीन। मैं कभी कभी बचपन में, बच्चे मेरे बच्चे जब एकदम छोटे छोटे थे, अब तो बड़े बड़े हो गए, सब जॉब कर रहे बाहर बाहर, एक इंटरनेशनल में, बड़े वाले बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में, और छोटा वाला भी आईटी सेक्टर में है, लेकिन तब भी मैं ऐसे ही केक बनाती थी कढ़ाई पे, जो कि मेरे पास ओवन था। ये हम हाफ चम्मच, हाफ टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर ले लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और एक तिहाई चम्मच बेकिंग सोडा, बिल्कुल कम, इसका आधा ही बस, इससे ज़्यादा नहीं देना है, इसका स्मेल थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए बेकिंग पाउडर ही सफिशियंट है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इनो भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इनो नहीं डालेंगे,
इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बैटर को इस पे ध्यान देना है, ना ज्यादा गाढ़ा होगा ना ज्यादा पतला होगा। देखिए इस तरह से लेयर एक बन जाएगा ऐसे ऐसे जब हम, और बहुत ही बेहतरीन बिना मथने का ही फैट गया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, 5 मिनट के लिए इसे ढक लेते हैं। तो आइए इस तरीके से हम कॉफी होगा, कॉफी कप डिस्पोजल होगा, तो इस तरीके से हम ले लेंगे, 6 या 7 ले लेंगे। तो आइए इसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रेस कर बटर कर लेते हैं, या तो फिर आप मक्खन या फिर शुद्ध घी, हम इसमें ऑयल में ही बटर कर लेंगे। जी हाँ, एक चीज़ बटर बोलने से मुझे याद आ गया, इसमें बटर डालना है, नहीं तो थोड़ा सा हम शुद्ध घी थोड़ा सा डाल दें इस मिश्रण में। तो ये हमने शुद्ध घी ले लिया, आप बटर भी ले सकते हैं पिघला के, पिघलाना भी नहीं पड़ेगा, गर्मी बहुत है, तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कोई भी वेनिला एसेंस वगैरह हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बॉर्नविटा की खुशबू वैसे भी बहुत अच्छी होती है, बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो आइए जब से हम पूरा बटर कर ले ऐसे ऐसे चारों ओर, ताकि इसमें लपटे ना। तो आइए इसे भी अच्छे से फेंट लिया है, 6 कटोरी ले लेते हैं, सॉरी कप, बहुत ज्यादा नहीं भरेंगे, थोड़ा कम कम। एक एक कंचुल के सहारे जितना जरूरत है उतना ही। इस तरीके से सारे हो जाएंगे, लग रहा एक्स्ट्रा लगेगा नहीं। देखिए बिल्कुल एकदम 6 नाप के नाप रखे थे, 7 ज्यादा बोल दिए थे। इसको भी पूरा, तो आइए सारे तैयार हैं, देख लेती हूँ गरम हो चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं। जी हाँ, धीमे धीमे आंच पे ये एकदम गर्म हो चुका है। ज्यादा देर तक गैस के पास मोबाइल को नहीं रखना है फ्रेंड्स, अब इसको बिना स्टैंड का ही हम ऐसे ही रख देंगे। थोड़ा सा हटा करके ताकि बराबर हो जाए, और इसको हम ढक देंगे करीब 25 से 30 मिनट के लिए। वैसे 25 मिनट में ही बन जाएगा, बिना ओवन के ही बन के तैयार हो जाएगा। तो 25 मिनट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक, एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। भाई ये देख लेते हैं, एक गलती हमसे हो गई थी, हम डायरेक्ट रख दिए थे, एक पहले हमने थाली रखा और नीचे रखने से बहुत सारे बह गए हैं, तुरंत तुरंत गर्म हो गया था। तो आइए देख लेते हैं, ये गलती हमारी है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तो देख लेते हैं चाकू से, अगर नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ये बन चुका है 30 मिनट में। तो आइए अब इसको ठंडा कर लेते हैं, गैस कर देते हैं ऑफ। आइए एक एक करके निकाल लेते हैं, पूरी पूरी गलती मेरी है, मुझे अगर पहले ही थाली में रख देते इतना ओवरफ्लो ना होता सारे, नहीं तो अभी ऊपर पफी पफी बिल्कुल फुला फुला आइसक्रीम जैसे बना रहता। अब इसे ठंडा होने देते हैं, 15-20 मिनट में थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद फिर आपको कट करके दिखाते हैं। सो हमारे साथ बने रहिए, गलतियों से सीख मिलती है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तो इसको अब हम कट कर लेंगे, ओवरफ्लो होके निकल गया क्योंकि हमने थोड़ा सा लापरवाही किया था, डायरेक्ट हमने उसी में डाल दिया था कढ़ाई में, तो ये हमें नहीं करना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट। अब ऊपर ऊपर का थोड़ा सा निकाल लेंगे, जल भी गया हल्का सा, कोई बात नहीं, इसको हम कट करके निकाल देते हैं।
नहीं तो बिल्कुल सॉफ्टी जैसे आइसक्रीम आता है बिल्कुल उसी तरह होता है। डायरेक्ट रख के हम गलती किया है, सॉरी फॉर दैट। इसी तरीके से पूरा तैयार कर लेंगे। ये निकल गया, ऊपर का भाग हम चाकू से निकाल लेंगे। ये भी बहुत टेस्टी होगा। बॉर्नविटा केक बन के तैयार है, बिल्कुल स्पॉन्जी है। तो इसी तरीके से देखिए बन के तैयार हो गया है, और इसे भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। देखिए स्पॉन्जी बना है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी स्पॉन्जी केक अगर ज़रा से भी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल नरम नरम, अभी बिल्कुल थोड़ा सा गर्म भी है, और थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो और बेहतरीन हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।